जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस स्टॉक पर कोई चर्चा नहीं है और अभी जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों सभी कंपनियों के क्वार्टर फोर के नंबर आने वाले हैं, तो इसकी भी क्वार्टर फोर के रिजल्ट जल्दी ही आने वाले हैं। इस बेसिस पर हम लोग यह प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे कि अभी आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर प्राइस जो देखें काफ़ी दिनों से मौन पड़ा हुआ है, कोई मोमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले एक मंथ में कुछ तेज़ी देखने को बनी है, लेकिन अभी फिर से इसका शेयर प्राइस ठहर सा गया है। तो इस ठहराव में तेज़ी कब आएगी और शेयर प्राइस फिर से कब ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि कह सके कि रॉकेट बनते हुए दिखेगा, इसको इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अभी देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो 2.90 रुपये के आसपास इसने अपना क्लोजिंग दिया है इस कंपनी का शेयर प्राइस, और अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है क्योंकि जिस लेवल पर इस कंपनी का शेयर प्राइस ओपन हुआ था ना, वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग भी दे दिया, इसीलिए इसमें अभी कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यह सादा सादा आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ पर आप देखेंगे तो। हालांकि पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो थोड़ा सा मूवमेंट दिखा है, तकरीबन 1.5% के आसपास स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिलेगा पिछले 5 दिनों में। देखिए गिरावट इसलिए गिरावट नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन रेंज में जब स्टॉक होता है तो ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहता है। हालांकि पिछले एक मंथ में जैसे मैंने बताया आपको तेजी देखने को जरूर मिली, तकरीबन 23% के आसपास से स्टॉक चढ़ा है पिछले एक मंथ में। 23% चढ़ने के बावजूद अब जाकर स्टॉक क्या हो गया, कंसोलिडेशन रेंज में फंस गया और उसी में ये घूम रहा है। पिछले 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में तकरीबन 45% के आसपास से स्टॉक टूटा है, जो काफ़ी मतलब चिंता की बात होती है। तनाव को इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे, बस आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। तो यहाँ पर आ गए हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ और अब सीधे चलते हैं पहले चार्ट पर हमेशा की तरह, और उसके बाद फिर कंपनी के काम और फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे। अभी 1 साल का चार्ट आपके लिए मैंने ओपन किया हुआ है और 1 साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप सीधे इस लेवल पर आ जाइए। जैसे मैंने अभी ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से उठना शुरू हुआ, तकरीबन 23 मार्च के दिन का एरिया है ये जहाँ से प्राइस उठना शुरू हुआ है। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 23 मार्च से इस कंपनी का शेयर प्राइस उठा, तकरीबन ये 2.35 रुपये के आसपास था जब ये प्राइस यहाँ से उठना शुरू हुआ, और उठ कर आया ये तकरीबन 3 रुपये के आसपास तक। और देखेंगे 3 रुपये के आसपास तक आने के बाद फिर प्राइस कंसोलिडेशन में फंस गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे तो यहाँ पर पहले से ही इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, और ये रेजिस्टेंस के पास जब भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस आता है, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ कर आया और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आने के बाद प्राइस क्या होता है, ठहर जाता है और फिर थोड़ा समय बाद नीचे आके दोबारा पुल बैक मार के जब ऊपर जाता है तब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलता है। तो अभी इस कंपनी में भी वही चल रहा है, अभी देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जैसे यहाँ से उठा, उठकर अपने यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस था इसके पास आया 3 रुपये के आसपास, और यहाँ पर भी आके इसका प्राइस ठहरा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आए लेकिन फिर दोबारा पुल बैक जब मारेगा तो प्राइस सीधे आएगा 4 रुपये के आसपास, और 4 रुपये कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं, इसको ईजिली ब्रेक कर देगा। मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर है। देखिए ऐसा मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार दो बार तकरीबन 2-3 बार यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बार इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो इसको तो आराम से ब्रेक कर देगा इसको इस तरीके निकलने के बाद, उसके बाद सीधे आएगा 5 रुपये के आसपास। लेकिन कब तक आएगा सवाल यही है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप मानकर चलिए। अब दूसरी बार डिपेंड करता है कंपनी के काम और फंडामेंटल पर। अभी आपको पता है कि कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर भी आने वाले हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जो कंपनी है ये काम क्या करती है। जो ग्लोब टेक्सटाइल्स कंपनी है आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है, और किस में करती है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में करती है, यानी कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो कंपनी होती है जो टेक्सटाइल संबंधित प्रोडक्ट बनाती हैं। काम देखिए टेक्सटाइल प्रोडक्ट का बिजनेस भारत में चमकेगा आप मानकर चलिए, टेक्सटाइल की दुनिया में भारत नंबर वन बनेगा, तो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कंपनी सही है। अब थोड़ी सी फंडामेंटल देखने तो फंडामेंटल में तकरीबन 45 करोड़ के आसपास की कंपनी है, जो कि मतलब पेनी स्टॉक ये तो पता है। हालांकि देखिए पेनी स्टॉक में यदि कोई कंपनी 100 करोड़ के ऊपर की होती है ना तब उसे बहुत अच्छा माना जाता है। खैर कोई बात नहीं, शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ जाएगा। क्वार्टरली रिजल्ट देख लें तो अभी देखिए अभी कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर नहीं आए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अभी सिर्फ दिसंबर क्वार्टर तक है, यानी कि सिर्फ क्वार्टर थ्री तक के ही कंपनी के रिजल्ट आए हैं। अभी क्वार्टर फोर के रिजल्ट बाकी हैं। क्वार्टर थ्री में जो कंपनी को रिजल्ट आया था, सेल्स जो हुआ था टोटल, तो सेल्स देखेंगे 74 करोड़ 81 लाख के आसपास हुआ था, जो कि उसके पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर टू में 99 करोड़ के आसपास हुआ था, और उसके पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में 114 करोड़ के आसपास हुआ था। कुछ क्वार्टर से देखें तो कंपनी के सेल्स डिक्लाइन हुआ है, यानी कि उसमें गिरावट हुआ है, जिसकी वजह से जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में भी आपको जबरदस्त गिरावट होते हुए दिखा है। देखिए पिछले 3 क्वार्टर से देखेंगे तो तकरीबन इसके नेट प्रॉफिट में भी इस कंपनी की गिरावट होते हुए दिखा है, यानी कि फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि वीक हो रहा है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस को ऊपर जाने में तकलीफ हो रही है। जब आदमी अंदर से स्ट्रांग रहता है तो काम अच्छे से करता है, उसमें बुलंदी रहता है, कोई भी काम को मजबूती से कर सकता है, तो वही कंपनी के साथ भी होता है। फंडामेंटल जब मजबूत होता है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिक उसमें तेजी आती ही आती है। सेक्टर में दम है, सेक्टर आगे बढ़ेगा,
कंपनी का फंडामेंटल जरूर मजबूत होगा, और जब कंपनी का फंडामेंटल मजबूत होगा तो ये कंपनी का शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ग्लोबल टेक्सटाइल से संबंधित जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चाहते हैं और बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल लोन या एम एस स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।